स्वारघाट चौक पर अचानक हरियाणा नंबर की एक टूरिस्ट बस आने के बाद मौके पर तैनात पुलिस बल हक्का बक्का रह गया। बता दें कि उक्त टूरिस्ट बस पिंजौर बद्दी नालागढ़ होते हुए हिमाचल में प्रवेश द्वार स्वारघाट पहुंची थी। स्वारघाट पुलिस ने उस बस को तुरंत रोका और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। पूछताछ में पता चला कि टूरिस्ट बस में सवार सभी तीर्थयात्री जिला बिलासपुर के घुमारमी, झंडता व वर्ठी के आसपास के गांव के रहने वाले हैं, जो कि एक समूह में 14 मार्च को तीर्थस्थल गए थे। स्थानीय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते इनसे गहनता से पूछताछ की और क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ने भेजा गया है। तो क्या अभी मशीन से चेक हुए हैं आप? हुए हैं मशीन से चेक किया यहाँ पर तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि लोगों को सबको चेक किया, सारे बंदों को चेक किया जाए, चाहते हैं आप? ये हमारे घर में बच्चे हैं। स्वारघाट चौक पर तैनात पुलिस टीम ने इस सारे मामले की सूचना एसडीएम स्वारघाट को दी, जिसके बाद एसडीएम स्वारघाट तुरंत मौके पर पहुंच गए। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि इन सभी तीर्थयात्रियों को बिलासपुर अस्पताल में चेकअप के बाद इनको अपने अपने घरों में भेजा जाएगा। बिलासपुर क्षेत्र के ही लोगों की जो बीमारी और जनता क्षेत्र के लोग थे उनसे भरी हुई बस जो है एक स्वारघाट में आई थी नालागढ़ क्रॉस करके, तो क्योंकि ये बिलासपुर के ही लोग थे तो और काफ़ी दिन पहले के गए हुए थे, जैसा बताया गया है 14 तारीख से जो है प्रदेश से बाहर थे, तीर्थ के लिए गए हुए थे, तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी लाया गया था और पुलिस प्रशासन के ध्यान में भी, तो इस पर जो निर्णय लिया गया कि इनको जो है बिलासपुर हॉस्पिटल भिजवाया जाए और वहाँ पे इनका थॉरो चेकअप करवाने के बाद ही इनको अपने अपने घरों में भेजा जाएगा। यदि कोई मामला संदिग्ध मिलता है या किसी तरह की कोई इनको कोई इन्फेक्शन का वो है तो उसको बारे में मेडिकल अथॉरिटीज़ को कन्वे कर दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली जो भी ज़रूरत होगी, अगर किसी को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत होगी तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट जो है